कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड सीट से भी चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला लेफ्ट उम्मीदवार पीपी सुनीर और एनडीए के तुषार वेल्लापल्ली से होगा। हालांकि ये सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस पर होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले के चलते उन्हें जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वायनाड सीट पर विरोधियों को मात दे पाएंगे राहुल गांधी, क्या वायनाड में विपक्ष का चक्रव्यूह भेद पाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस को इस सीट से जीत मिली थी। हालांकि लेफ्ट के उम्मीदवार से कांग्रेस को कड़ी टक्कर मिली थी। उस चुनाव में कांग्रेस को वायनाड पर महज 20,870 वोट के अंतर से जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के एमआई शानवास को सीपीएम उम्मीदवार से सिर्फ 1.81% अधिक वोट मिले थे। शानवास को 3,77,035 और सीपीएम उम्मीदवार को 3,56,165 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर रही थी और उसके प्रत्याशी को कुल 80,752 वोट मिले थे। यानी साफ है कि इस बार भी मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और लेफ्ट के बीच ही है। हालांकि बीजेपी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार के रूप में सहयोगी पार्टी भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली को उम्मीदवार बनाया है। तुषार वेल्लापल्ली की BDJS केरल के मशहूर धार्मिक संगठन श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का ही एक राजनीतिक संगठन है। इस समूह के अंतर्गत इझावा समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है। केरल में इस समुदाय की 20% जनसंख्या है। बीजेपी की इन्हीं पर नजर है। वायनाड लोकसभा के तहत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 3 वायनाड जिले के, 3 मल्लापुरम जिले के और 1 कोझिकोड जिले से है। वायनाड सीट पर हिंदू आबादी 49.7% है, जिसमें दलितों की अच्छी खासी तादाद है। ईसाई और मुसलमानों की आबादी भी करीब करीब इतनी ही है। यहाँ ईसाई 21.5% और मुस्लिम 28.5% है। इस सीट पर कुल 13,25,778 वोटर हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस और सीपीएम को कितना टक्कर दे पाती है, क्योंकि 2009 में बना केरल का वायनाड लोकसभा सीट को कांग्रेस की सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।